हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे यूट्यूब की कुछ सीक्रेट ट्रिक्स जो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो पे बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जैसे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाता रहे और आप लोग वीडियो ऐसे ही हमारी देखती रहें। तो चलते हैं अपने YouTube में और स्टार्ट करते हैं जो आपको सेटिंग्स आज हम बताने वाले हैं, तो बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, अगर आप स्किप कर देंगे तो आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो अपने YouTube को पहले प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिएगा। वैसे मेरा तो अपडेट नहीं है शायद, तो हम चलते हैं देख लेते हैं अपडेट है कि नहीं है मेरा YouTube। तो गाइज़ मेरा अपडेट नहीं होगा, वैसे आप लोग अपना अपडेट कर लीजिएगा। तो मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो इसकी वजह से हम बाद में इसे अपडेट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने यूट्यूब में और अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइज़। तो चलते हैं हम बैक में और बताते हैं आपको सेटिंग्स। तो चलते हैं अपनी सर्च हिस्ट्री में और बताते हैं कि आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक कैसे अपनी चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई हम डाल देते हैं NCS, ठीक है, ये म्यूज़िक है। अब बताएंगे आपको कि ये म्यूज़िक आप अपना व्हाट्स, ये जो ये है आपका यूट्यूब है, इसको आप ऑफ कर देंगे तो भी ये आपकी बैकग्राउंड स्क्रीन में कैसे चलेगी। तो इसको आज हम बताते हैं कि कैसे चलेगी ये। तो चलते एक इस एक वीडियो एक सॉन्ग ले लेते हैं यहाँ से इंसिन, ये तो बिना कॉपीराइट वाले हैं, तो चलते इसको ले लेते हैं। चलते हैं, ये ले लिए एक वीडियो सॉन्ग है, ये एक म्यूज़िक जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, ये कुछ लोग वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि बैकग्राउंड म्यूज़िक डला रहता है, तो वो यहीं से लिया जाता है NCS से, क्योंकि ये विदाउट कॉपीराइट, वो कॉपीराइट नहीं होता इसमें। तो चलते हैं आपको क्या करना है गाइस, चलते हैं ट्रिक की तरफ। तो आपको ये देखिए, यहाँ पर आप यहाँ से इसको एकदम लास्ट कर देंगे, ठीक है, और फिर आप यहाँ से बैक चले जाएँगे। और बैक चले जाने के बाद आपको यहाँ से शॉर्ट में जाना है। आपकी जो फर्स्ट वीडियो आ रही होगी उसे आपको थोड़ी जितना चल रहा है इसको फुल वॉच कर लेना है। तो फुल वॉच कर लेते हैं इसे, आपको स्किप नहीं करना है इसको। अगर आप स्किप करेंगे तो ये ट्रिक आपके लिए काम में नहीं आएगी। तो आपको इसको फुल वॉच कर लेना है, ये जो वीडियो आपकी चल रही है यहाँ पे, ये ऑन हो रहा है अभी, चल रही है वीडियो, ये काफ़ी लंबी है शायद ये वीडियो, तो चलने दीजिए इसको, इस वीडियो को चलने दीजिए। फिर हम आपको बताते हैं कि आपकी बैकग्राउंड में भी कैसे वो म्यूज़िक चलेगा जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा। आप कोई सॉन्ग भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप अपना यूट्यूब ऑफ कर देंगे तो भी ये चलेगी वहाँ पे। चलते हैं अभी, चलने दीजिए इसे। तो ये ओवर होने वाला, इसे पूरा वॉच कर लीजिएगा, ये जो फर्स्ट वीडियो आएगी आपकी शॉर्ट्स की, इसे पूरा वॉच कर लीजिएगा। तो ये हो गई पूरी वॉच। अब यहाँ से हम जाएंगे बैक, ये हम गए बैक, और यहाँ से इसको ऑन किया, और यहाँ पे ये हम गए स्टार्ट में। अब यहाँ से ये चल रही है, इसे ऑन कर लेंगे और यहाँ से ये जाएंगे। ये देखो बैकग्राउंड में भी ये म्यूज़िक चल रही है, तो आप ये कर सकते हैं। तो ये रही हमारी पहली ट्रिक, तो आपको उसके लिए यूज़फुल हो तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए कैसे म्यूज़िक चल रही है ये बैकग्राउंड में भी। तो चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। तो अपना यूट्यूब फिर से ऑन कर लेते हैं, फिर आप ये यहाँ से पॉज नहीं होगा, तो आपको कैसे इसको बंद करनी है ये सॉन्ग, तो आपको एक दो सेकंड पीछे जाना है। आप एक दो सेकंड पीछे करेंगे यहाँ से, पहले एक बार बैक कर लेंगे, तो यहाँ से आपको एक दो सेकेंड पीछे कर लेंगे। अब ये यहाँ से ये जो पॉज हो जाएगी, ये देखिए यहाँ से ये बंद हो गई। अब चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ, आप लोगों को बताते हैं कि यूट्यूब में डार्क मोड कैसे लगाते हैं। तो जैसे नाइट के लिए आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होता है कि नाइट मोड में लगा दोगे तो आपके रोशनी कम दिखेगी। तो चलते हैं बताते हैं इसमें नाइट मोड कैसे लगाना है। सेटिंग में जाना है, जनरल में जाना है, तो फिर से आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो आपका चैनल का लिंक है, यहाँ अकाउंट है, यहाँ पे जाएंगे आप, और यहाँ पे ये देखिए लास्ट में आप लोगों को सेटिंग दिख रही है, तो सेटिंग में जाएंगे और फिर यहाँ पे जनरल में जाएंगे। तो जनरल में जाने के बाद ये हम आ गए हैं, और यहाँ पे हमको दिखेगा डार्क थीम्स, ये देखिए डार्क थीम्स आ गया, ये देखिए डार्क थीम्स लगा दिया, ये पूरा ये देखिए ऐसे नाइट मोड में चलेगा और कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी एक बार करके देखिएगा ये। तो चलते हैं, अभी तो ये दिन है तो हम इसे दिन मोड में लगा लेते हैं, डे मोड में, तो यहाँ पे इसे ऑफ कर देंगे। तो चलते हैं, एक और ट्रिक यहीं से बताते हैं। फिर आपको यहीं पे जाना है, और आपको जाना है सेटिंग में।
सेटिंग में जाने के बाद अब आपको बताएंगे कि आपका डाटा कैसे सेव रहेगा, इसमें कम ख़त्म होगा। जैसे आप यूट्यूब देखते हैं तो बहुत डाटा जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगता है, तो हम बताएंगे कि कैसे ये बहुत स्लो में ख़त्म होगा। ख़त्म नहीं होगा मतलब बहुत कम MB में चलेगी आपकी सारी वीडियोस जो यूट्यूब्स की होंगी। तो चलते हैं वीडियो क्वालिटी प्रीफ्रेंस में जाएंगे आप। तो मैंने तो यहाँ ऑटो में लगाया हुआ है कि जैसे स्पीड होगा वैसी वीडियो चलेगी, तो हायर पिक्चर क्वालिटी दिखा रहा है, डाटा सेवर दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे कर देना है डाटा सेवर में, और यहाँ वीडियो कॉल सेकेंड में जो दिख के जा रहा है वीडियो क्वालिटी ऑन वाईफाई, तो वाईफाई आएगा तो यहाँ पे ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे भी डाटा सेवर में कर देंगे आप, दोनों सेटिंग अपना डाटा सेवर में कर दीजिएगा तो आपका डाटा जो है ख़त्म होगा। अगर वाईफाई से करेंगे तो आप वाईफाई में तो इतना ज़्यादा ख़त्म होने का चांस नहीं रहता है जल्दी, तो आप वाईफाई में ऑटो कर सकते हैं और अपने मोबाइल डाटा में डाटा सेवर कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एक और ट्रिक। अब चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ, और चलते हैं अपने जनरल में। तो ये गए हम जनरल में। जैसे आपको बता देते हैं कि जैसे आप लोग वीडियो चलाते हैं और फिर आपको पॉज करना, कोई भी वीडियो बढ़ानी होती 10 सेकेंड में तो आपको 10 सेकेंड टाइम दिखाता है। तो अब आपको बताएंगे कि उसे आप कैसे अपने आप से तरीके से 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड में आप कैसे आगे पीछे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 10 सेकेंड में ही होगी। तो ये जो आपको दिख रहा है सामने, पहले आप जाएंगे जनरल में। जनरल में जाने के बाद ये जो आपको दिख रहा है डबल टैप टू शेक, तो यहाँ डबल टैप टू शेक में ये देखिए टाइम आ गया है। तो आपको 15 सेकेंड आगे बढ़ानी है वीडियो, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो मेरा 10 सेकेंड लगा हुआ है, तो ये देखिए 15 सेकेंड में लगा देते हैं और आपको करके दिखा देते हैं। तो ये अपनी एक वीडियो हम यहाँ से खोल लेते हैं और फिर चलते हैं, आपको बता देते हैं कि कैसे 5 सेकेंड में अब वीडियो आगे बढ़ेगी, 10 सेकेंड में नहीं होगी। तो आपको 10 सेकेंड, 15 सेकेंड जो भी करना है, वैसे नेट तो स्लो है मेरा, तो कोई भी वीडियो देख लेते हैं वीडियो। चलिए आप लोग एक बार करके देख लीजिएगा, मेरा नेट स्लो है तो आपको कैसे बताएंगे। तो चलिए आप चलते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ, और आपको बताते हैं कि आप एक कैसे कोई भी, अगर आप कुछ भी देख रहे हैं, आपने किसी का फ़ोन लिया और आप उसमें कुछ भी देख रहे हैं, जैसे कुछ लोग देख लेते हैं अपनी मनमर्जी का कुछ भी देखते हैं, तो फिर आप बताएंगे कि ये कैसे उसके फ़ोन में सेव नहीं होगा। तो जैसे कुछ लोग देखते हैं कुछ अलग सी चीज़ें देखने लगते हैं, तो ये इसलिए आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आपको बताएंगे कि इसमें कैसे करना है। आपको एक ऑप्शन आप ऑन कर देंगे और उसमें आपको फिर आप जो दूसरे का फ़ोन में देख रहे होंगे या फिर अगर आप अपने फ़ोन में देख रहे होंगे तो वो सेटिंग ऑन करके देखेंगे, तो उसमें ना वॉच हिस्ट्री दिखाएगा ना सर्च हिस्ट्री दिखाएगा। और ये जो यूट्यूब आप खोलते हैं तो उसमें जो वॉच हिस्ट्री आपको दिखने लगती है कि आपने ये देखा है, ऐसे रिलेटेड वीडियो देखी, तो ये भी नहीं दिखाएगा, और ना सर्च हिस्ट्री में दिखाएगा कि आपने क्या सर्च किया था। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है टर्न ऑन इनकोग्निटो, तो यहाँ इसको ऑन कर लेंगे। तो आप यहाँ से कुछ भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, और ना ही वॉच हिस्ट्री में दिखेगा अगर आप ऐसे ऑन कर लेंगे। तो आपको इसको ऑन करने के लिए जाना होगा आपकी लाइब्रेरी में, फिर लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको अपने अकाउंट में जाना होगा गाइस। तो यहाँ पे सेटिंग आ रही है, यहाँ पे आपको जाना होगा अपने अकाउंट में। यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, तो ये जो इनको वाली सेटिंग दिख रही है इसको ऑफ करना है। तो ये यहाँ पे अबाउट में गए, यहाँ पे जाते हैं, पहले एक बार बैक चले जाते हैं हम अपने यूट्यूब से, फिर शायद आ जाए। ये देखिए यहाँ इनको वाला चल रहा है, तो आपको ना वॉच हिस्ट्री आपकी दिखेगी ना ही सर्च हिस्ट्री दिखेगी जो आपने देखी होगी। तो आप फिर अगर आपको टर्न ऑफ करना है तो आप इसे टर्न ऑफ कर लेंगे। ये देखिए टर्न ऑफ हो गया, और आप फिर आप जो भी सर्च करेंगे जो भी वॉच करेंगे वो सारा दिखेगा। अगर इसे आपको ऑफ करके देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो चलते हैं एक और ट्रिप की तरफ, और फिर से चलते हैं अपनी लाइब्रेरी में और अपने चैनल के आइकन में, और चलते हैं अपने सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है गाइस, गए हम अपने जनरल में, यहाँ से गए हम जनरल में, अपने जनरल में नहीं जाना है, हमें जाना है अपने यहाँ पे हिस्ट्री एंड प्राइवेसी में। तो यहाँ से अपनी आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपने जो वॉच हिस्ट्री पॉज कर सकते हैं, सर्च हिस्ट्री पॉज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ देखना है तो इसको ऑन कर लीजिए दोनों को, और फिर इसे आप ऑफ कर लीजिए। तो अगर आप जैसे आपको कुछ देखना है, जैसे कोई कि दूसरी लोग ना देख पाए कि मैंने क्या देखा है, तो इसे ऑन कर लीजिए और फिर आप वो देख लें। तो आप अगर आपने फिर देख लिया है वीडियो तो आप इसको फिर ऑफ़ कर दें कि किसी को पता भी ना चले कि आपने क्या देखा है।
तो अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू।